हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट और क्वाड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। ये पैराबोला का टॉपिक है, ये लगभग आखिरी टॉपिक आ गया आपका। पैराबोला आज खत्म हो जाएगा। इससे पहले पैराबोला का लगभग 15-16 लेक्चर जो भी हम पढ़ाए हुए हैं आपको एक बार देखना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से आप डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ पॉइंट, नॉर्मल, टेंजेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जितना भी पैराबोला का सारा टॉपिक आपको हम खत्म कर दिए। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, आपको टॉपिक बाई टॉपिक जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्वाड बाइसेक्टेड पॉइंट। ये हम लोग सब में पढ़ेंगे, एलिप्स में पढ़ेंगे, हाइपरबोला में पढ़ेंगे, सर्कल में ही पढ़ते हैं। चूंकि सर्कल पढ़ना नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग पैराबोला पे ही देखते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट और क्वाड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट क्या होता है, जनरल चीज़ है, आप देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं होता क्या है कि आप टेंजेंट तो पढ़ चुके होंगे, अब हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट देखते हैं क्या होता है। ये कोई पैराबोला मान के चलिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है पैराबोला, ठीक। ये इसका एक्सिस हो गया और यही एक्सिस एक्स एक्सिस भी होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका वर्टेक्स पे टेंजेंट हो गया, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वाड ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो देखिए, ये मान के चलिए कोई पॉइंट आपका पी है और ये पॉइंट मान के चलिए आपका कोई क्यू है। इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स है ना। तो वो टेंजेंट एंड वर्टेक्स है यहाँ पे, मतलब नहीं, मतलब क्या है अभी पथ को बता देते हैं कि इस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट है इस पैराबोला का और इस पॉइंट क्यू पे भी एक टेंजेंट है इस पैराबोला का, ठीक। और ये कहीं जाके इंटरसेक्ट कर, जरूरी नहीं इस एक्सिस में ही करेगा, कहीं पे जाके कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट एम पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट एक्स एम जो है एक्स वन कॉमा वाई वन है, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट को एक साथ मिला के हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। और ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन आता है एक साथ। सिंगल सिंगल तो आप निकालने जानते ही हैं, टेंजेंट का कैसे निकलते हैं, एक एक्स को डिस्टर्ब करते हैं एक्स वन से और एक वाई को डिस्टर्ब करते हैं वाई वन से, तो हम लोग सिंगल टेंजेंट का निकल जाता है इक्वेशन। तो हम लोग अब कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे इसका। तो इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका कंबाइंड इक्वेशन होता है एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। ये इसका कंबाइंड इक्वेशन होता है। बोले ये क्या लिख दिए सर आप, तो एस क्या होता है, एस वन क्या होता है और टी क्या होता है, अभी आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। पैराबोला का जो इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए तीन चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम डिफाइन करें, इसको आप ध्यान में देखिएगा कि एस क्या होता है। एस खुद पैराबोला का ही इक्वेशन होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है। ये वाई स्क्वायर माइनस 4ax एस से डिनोट करें, मतलब पैराबोला का इक्वेशन को एक साइड ले आएंगे, एक साइड सिर्फ जीरो बच जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट बचेगा उसको एस बोलते हैं, ठीक है, किसी भी पैराबोला पे। अब आ गया एस वन, एस वन क्या होता है, एस वन होता मतलब ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट जहां जाकर इंटरसेक्ट करा, मतलब ये पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पैराबोला का जो एक्स और वाई है, उस पैराबोला का एक्स और वाई के जगह में एक्स वन कोमा वाई वन को पुट करेंगे तो हम लोग को एस वन आ जाता है। यहां तो आ जाएगा वाई वन स्क्वायर माइनस 4ax1, ठीक है, ये एस वन हो गया, ठीक। और एक टर्म बच गया टी, ये टी बोले तो टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट कैसे लिखेंगे, इस पैराबोला का सिंगल टेंजेंट निकालिए कोई भी पॉइंट पे, मान के चलिए किसी पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन पे सिंगल टेंजेंट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। सिंगल टेंजेंट हम लोग निकलेगा वाई वाई वन माइनस 2a एक्स प्लस एक्स वन बराबर 0, एक एक्स को एक वाई को वाई वन से डिस्टर्ब किए और एक एक्स को एक्स वन से डिस्टर्ब किए, तो ये आपका क्या आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे जाके टकराता है, जिस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट जाके टकराएगा, इंटरसेक्ट करेगा एक्स वन कोमा वाई वन पे किया है, तो इसी एक्स वन कोमा वाई वन से डिस्टर्ब करना है तो टी निकल के आएगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वाई वाई वन माइनस 2a एक्स प्लस एक्स वन, ठीक है। सारा को एक सेट करके बाकी राइट में जीरो कर दीजिए, तो एस का वैल्यू ये हो गया, एस वन का वैल्यू ये हो गया और टी का वैल्यू ये हो गया। ये एक्स वन कोमा वाई वन कहाँ है, जो जहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ टेंजेंट का तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ
पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट, जो अभी हम लिख दिए बॉक्स में, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम एलोबरेट करना चाहेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए एस के जगह लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू एस वन के जगह लिखेंगे वाई वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन और बराबर टी स्क्वायर, मतलब ये पूरा का स्क्वायर वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन का स्क्वायर। खैर इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आपको इसी से काम चल जाएगा, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पेयर ऑफ टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपको समझा देते हैं, ये भी पेयर ऑफ टेंजेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका एक पैराबोला हुआ, कोई पैराबोला ले लीजिए, मान के चलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स ही ले ली, ठीक। ये कोई पॉइंट आपका पी है, ये पॉइंट कोई आपका क्यू है, ठीक है, ये पॉइंट आपका कोई क्यू है, ठीक। तो इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट है और एक पॉइंट क्यू से टेंजेंट है और कहीं जाके इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन अलग है, देखिएगा ये लाइन से कोई मतलब नहीं, ये कहीं जाके एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा जो एक्स वन कॉमा वाई वन है, ठीक है। अगर एक्स वन कॉमा वाई वन है तो इस, अब देखिए इस पॉइंट पी को, मतलब पी पी जहाँ से टेंजेंट पी है एक और जहाँ से टेंजेंट क्यू है एक, और ये दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, मतलब जहाँ पे, मतलब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इसीलिए बोल रहे हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट का जहाँ कॉन्टेक्ट है और उसी दोनों कॉन्टेक्ट को मिला के हम लोग एक कॉर्ड बनाएं, ये भी टेंजेंट और ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट, तो इसका कॉन्टेक्ट पी पे है इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का कॉन्टेक्ट क्यू पे है और ये दोनों पॉइंट पी और क्यू को मिला के एक हम लोग कॉर्ड बनाएं, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, टी बराबर जीरो, क्या होता है टी बराबर जीरो। तो टी क्या है स्टूडेंट, तो टी है वाई वाई वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स वन, ये एक्स वन वाई वन इसी पॉइंट को हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन क्या आ जाएगा, वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन है। अब डायरेक्ट टी इज इक्वल टू जीरो याद रखेंगे, आप खुद निकाल सकते हैं, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड क्या है कि कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। तो एक पैराबोला लीजिए, कोई भी पैराबोला लीजिए, हम तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स लेंगे, सबसे आसानी इसी में है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी से पूछ लिया जाता है, आप किसी में ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, ठीक है। तो आप कहीं पे एक कॉर्ड ले लेंगे, क्या करेंगे, कहीं पर भी एक कॉर्ड ले लेंगे। तो एक कॉर्ड हम कहीं भी ले लिए, इसमें टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं, इसमें टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई पॉइंट यहाँ पे पी है और कोई पॉइंट यहाँ पे क्यू है, तो ये पॉइंट, ये जो क्वाड है पी क्यू, इसका कहीं मिड पॉइंट होगा, तो हाँ होगा होगा, मान लीजिए एम पे मिड पॉइंट है और ये एक्स वन कॉमा वाई वन है, ये मिड पॉइंट मान लिए, ठीक है। मतलब जितना पी एम है उतना ही एम क्यू है, ठीक है। तो ये जो क्वाड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट है, मतलब इस क्वाड का इक्वेशन कैसे आएगा, अगर इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है तो, अगर इस क्वाड का मिड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन दिया हुआ है तो इस क्वाड का इक्वेशन आता है टी बराबर एस वन, टी बराबर एस वन, ये टी बराबर एस वन इस क्वाड का इक्वेशन है। इसमें टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं, बस इस क्वाड का मिड पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए। तो टी बराबर एस वन कर दीजिए, टी क्या है आपका वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एस वन, क्या आपका एस वन आपका है वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन, ये आपका इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको टी बराबर एस वन रखना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ गया स्टूडेंट, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर जो भी हम लिख दिए, क्वाड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन टी बराबर जीरो जो भी हमें बता दिए आपको, और क्वाड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट टी बराबर एस वन, तीनों क्या होता है ये तीनों आपको हम अभी बता दिए। इसके बाद इसका हम लोग अब क्वेश्चंस को देखेंगे, अब तब तक के लिए इसको नोट करें। तो स्टूडेंट अभी हम लोग दो क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन, कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट्स वेयर द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो इज इंटरसेक्टेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। मतलब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको हम समझा देना चाहते हैं, मार्कर का
आपको हम समझा देना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले देखिए कि एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और एक कोई लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, ठीक है, जो कि इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पर भी हो सकता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। तो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला का, तो यही दोनों पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही कह रहा है। मतलब ये टेंजेंट एक यहाँ से है और एक टेंजेंट यहाँ से है, और ये पॉइंट पी कुछ होगा, एच को मैं के ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बोल रहा है ये पॉइंट पी जो है आप निकालिए, है ना, पॉइंट पी निकालने बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट, दोनों टेंजेंट जहाँ के इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट आपको निकालना। आपको दिया हुआ एल एक्स प्लस एम वाई एन, ये वाला कॉर्ड दे दिया है, लाइन कॉर्ड आप कुछ भी कर ले, कॉर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट करा दोनों, तो ये दोनों पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है पी, तो एच कोमा के आपको निकालना। तो एच कोमा के कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो निकालने के लिए बड़ा ही खूबसूरत सा चीज़ है, खूबसूरत क्या है इसमें, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मान सकते हैं, और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, टी इज इक्वल टू जीरो पढ़े, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पढ़े। तो टी इज इक्वल टू जीरो अगर हम लोग पढ़े हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन और टी इज इक्वल टू जीरो अगर इसको कर देंगे तो हम लोग को क्या प्रोपोर्शनलिटी से आपको एच को मैं मिल जाएगा, देखिए किस तरह से मिल जाएगा। सो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस लाइन का एक इक्वेशन और भी तो आ सकता है, टी इज इक्वल टू जीरो, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है और यही कोड ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो टी का क्या होता है, टी का फॉर्मूला क्या, मतलब फॉर्मूला क्या, टी कैसे निकालते हैं, टी तो टेंजेंट लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वाई को एक वाई वन से और एक एक्स को एक्स वन से डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ पे ये एक्स वन को वाई वन यही हो जाएगा एच को मैं के, तो वाई वन क्या है, के है, वाई के इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इधर लेके आइएगा वाई के माइनस टू ए एक्स प्लस एच इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया टी, तो टी इज इक्वल टू जीरो ही तो ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो आपका क्या आ जाएगा वाई के माइनस टू ए एक्स प्लस एच इज इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन का इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो है और ये लाइन का इक्वेशन वाई के माइनस टू, मतलब दो एक ही लाइन का दो दो इक्वेशन है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा याद कीजिए, अगर आप पढ़े हैं तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग एक कोफिशियंट प्रोपोर्शनैलिटी से रूट निकालते हैं, मतलब एक्स को एक वेरिएबल्स निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा कि कोफिशियंट प्रोपोर्शनैलिटी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब एक ही लाइन को अगर दो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा तो हम लोग कोफिशियंट को प्रोपोर्शनल करके उसका एक्स को वाई जो भी है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकाल दीजिए कोफिशियंट को प्रोपोर्शनल, इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बाय कोफिशियंट प्रोपोर्शनलिटी, आपका क्या आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा, देखिए एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है एल है, तो एल लिखिए, और इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है, देखिए इसमें एक्स का कोफिशियंट टू है माइनस टू है, तो माइनस टू आ गया इज इक्वल टू, इसमें वाई का कोफिशियंट क्या है एम है, तो एम लिखेंगे, और इसमें वाई का कोफिशियंट क्या है, देखिए के है, तो के लिख दीजिए, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है एन है, और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, देखिए इसमें कॉन्स्टेंट टर्म आपका माइनस टू है एच है, है ना, माइनस टू है एच है। तो हम लोग को एच को मैं के निकालना, आप निकाल सकते हैं, देखिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे आपको के निकल जाएगा, तो के कैसे निकल जाएगा, तो के ऐसे निकल जाएगा, के इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस टू है एम अपॉन एल, इसको इस तरह से लिखें आप माइनस टू ए एम अपॉन एल, कब ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका के निकल के आ जाएगा, और एच देखिए कैसे आ जाएगा, एच इन दोनों को सॉल्व कीजिए आपका एच निकल के आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो एल अपॉन माइनस टू ए इज इक्वल टू एन अपॉन माइनस टू ए एच, तो माइनस टू ए कैंसिल हो गया, तो आपका एच जो है वो आपका निकल के आ जाएगा एन अपॉन एल, ठीक है। तो आपका के भी आ गया, ये एच भी आ गया, तो जो पॉइंट पी है इसको यहाँ लिख देते हैं, एच को मैं के जो है वो क्या आ जा रहा है एन बाय एल बाय माइनस टू एम अपॉन एल, ठीक है। तो ये आपका एच को मैं के निकल गया, कोफिशियंट प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट है, आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया तो हम आगे
स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा ही रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। अभी पढ़ाया नहीं इसको, पढ़ाएंगे कुछ देर बाद, तो अब देख सकते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन 4x-3y+4=0 बाय द पैराबोला y²=8x। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है y²=8x, ठीक है, और एक कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ 4x-3y+4=0। ठीक है, एक कॉर्ड दिया हुआ है और बोल रहा है इसका मिड पॉइंट कहाँ है, कोई भी इसका मिड पॉइंट होगा, x1, y1 ले लीजिए, इसका मिड पॉइंट है पॉइंट P। ठीक है, तो इस पॉइंट P को आपको निकालना है, एक क्वाड दिया हुआ है, इसका पॉइंट P निकालना, मिड पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ें कि इस क्वाड का इक्वेशन t=s1 होता है। क्या होता है, t=s1 होता है, तो t=s1 भी मालूम और 4x-3y+4 भी मालूम, ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें भी हम लोग कोफिशियंट प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। ठीक है, तो t=s1 पहले लिखिए, तो t क्या आ जाएगा आपका, अब t यहाँ से लिखेंगे हम लोग, देखिए इसको y²-8x=0 लिख देंगे। अब t निकालिए, एक y को y1 से और एक x को x1 से डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, तो ये आपका आ जाएगा y(y1-4ax+x1=0, ये आपका t हो गया। s1 क्या आ जाएगा, तो अब लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे t=s1 जैसे कीजिएगा आप, तो t आ गया y(y1-4ax+x1, या क्या आपका t=s1। s1 क्या हुआ, x1 y1 दोनों पैराबोला में पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा y²-8x1। ठीक है, अब दोनों को आप इधर लेके आइएगा, तो आ जाएगा y(y1-4ax+x1-y1²+8x1=0, ये आ गया आपका इक्वेशन उस लाइन का, क्वाड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन आ गया, और इसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ 4x-3y+4=0, ये दोनों लाइन, ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, तो इस दोनों में भी हम लोग इस टाइप से कोफिशियंट प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब इसका एक्स का कोफिशियंट, इसका एक्स का कोफिशियंट, इसका वाई का कोफिशियंट, इसका भी वाई कोफिशियंट, इसका कॉन्स्टेंट टर्म और इसका कॉन्स्टेंट टर्म, तीनों को प्रोपोर्शनल करेंगे तो आपको पॉइंट पी जो है x1, y1 निकल के आ जाएगा। और निकल के क्या आ जाएगा आप निकाल लेंगे, हम निकालेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो पॉइंट पी जो है आपका आ जाएगा 5/4,3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको आप एक बार नोट करें स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको हम नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जो जो स्टूडेंट नोट्स लिए हुए हैं बहुत सारा क्वेश्चन नोट्स में अवेलेबल है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप झारखंड TGT का प्लेलिस्ट में जाएं, आपको नोट्स और बुक्स के बारे में बता दिया जाएगा, या फिर आप जो साइड में आई बटन आ रहा है वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जो वीडियोज फ्लैश हो रहा है वहाँ पे भी देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं नोट्स के बारे में। ठीक है, तो जो नहीं लिए ले ले, बहुत ही अच्छा नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर लें व्हाट्सएप में, आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है उस वीडियो में, या तो आप मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके आप कॉन्टैक्ट मेरा ले सकते हैं, वहाँ से दिख जाएगा आपको कॉन्टैक्ट। ठीक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पैराबोला स्टूडेंट आज हम लोगों का ख़त्म हो गया है, पैराबोला में एक भी और टॉपिक नहीं बचा हुआ, एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपका छूट गया जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, तो हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी आपका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपको हम शुरू में जब पैराबोला शुरू किए तो उसमें आपको बताएं, एक टाइप का और है उसको हम नहीं पढ़ाएं सिलेबस में, नहीं उसको हम नहीं पढ़ाएं, लेकिन फिर भी अगर हमको लगेगा तो हम बाद में उसको हम डिस्कस कर देंगे। पैराबोला लगभग क्या पूरा पूरी ख़त्म हो गया है, इसके बाद हम लोग इसका अगला लेक्चर में एलिप्स को डिस्कस करेंगे, एलिप्स, फिर एलिप्स के बाद हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत सारा टॉपिक है हम लोग को डिस्कस करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।